अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग, तो आए व्लॉग की तरफ चलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं आज की रूटीन। ये बैठी है जी हाजरा, हाजरा से बातचीत करते हैं। हाजरा क्या हाल है? तबीयत सी ठीक है? क्या कर रही है? खेल रही है। स्कूल नहीं गई? नहीं। क्यों? आपी हाँ आपी नहीं जा रही थी, मैं नहीं गई। आज क्या छुट्टी थी क्या? हाँ जी। किस चीज की? एतवार की। हाँ जी। आज संडे का दिन है जी, बच्चों को थी छुट्टी, इसलिए जो ये देखे खेल रहे हैं ऐसे। चलो सही है। इधर जी धोए जा रहे हैं बर्तन, इधर जी धोए जा रहे हैं बर्तन, ये देखें जी। तकरीबन सुबह 8 का टाइम है, नाश्ता पानी जो है वो सब बच्चों ने भी हमने भी कर लिया है। अभी बर्तन वगैरह धो के ये रख देंगे, फिर ये शाम को काम आएंगे इस्तेमाल के लिए। हाँ तो जी ये देखें जी, ये बच्चों का जो है पहनने का स्टाइल आप देख लें, फट्टा लगाया हुआ है नीचे, इधर जो है बस्ते रखे हुए हैं, ऊपर भी किताबें वगैरह रखी हुई हैं ये देखें, और इधर बैग रखा हुआ है, ऊपर ये सतूल है, पीछे कुर्सी रखी हुई है। ये सारा डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अभी इधर सजावट करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो आएंगे वापस फिर इधर पढ़ना शुरू कर देंगे। ये देखें ये ऊपर किताबें वगैरह रखी हुई हैं, सारा सामान जो है ना इधर सजा कर रखा हुआ है, ये देखें। हाँ तो जी अभी जो है ये देखें हमारा इधर जो है काम हो रहा है, किस चीज़ का? ये जो तडियम बना रहे हैं, इधर जो है अभी इनकी खिलाई हो रही है, ये देखें। ये बिल्कुल जैसे नीचे पड़ी है ना वैसे बन जाएगी। ये तीन चार बनानी है क्योंकि चार पायों के लिए, ये जितनी हो जाएंगी ये बनाएंगे, और भी रखी हैं। फिर जो है इसके साथ ये होता है कि गर्मियों में ये काम आती हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह जो है चार पाई से नीचे जो है मच्छर आ जाते हैं, तो ये ऊपर होगी तो मच्छर नहीं आएंगे। सही हो गया जी, ये देखें इब्राहिम जो है वो सोया हुआ है, अभी इसको इंजेक्शन लगवाया है, इंजेक्शन लगवाने के बाद जो है ये आके सो गया। जैसे कल दवाई लेके आए हैं तो एक उधर अस्पताल में इंजेक्शन लगा था, एक रात को लगवाया था, और एक आज सुबह लगवाया है, एक अभी बच्चा पड़ा है जो शाम को लगवाना है। तो रात पूरी रात जो है इसको बुखार था बहुत ज़्यादा, तो अभी जो है आकर सो गया है, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं ना आई तो अभी सो गया है। तकरीबन 9:30 का टाइम है, ये सोया हुआ है। पंखा जो है वो चला हुआ है ऊपर, और ये जो है सो रहा है। हाँ तो जी ये हैं इब्राहिम खान, इब्राहिम खान उठ के आ चुके हैं, तो पूछते हैं इब्राहिम खान क्या हाल है? तबीयत ठीक है? हाँ जी। बुखार है? हाँ जी। अभी भी बुखार है? हाँ जी। अच्छा, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। और सुना, और ठीक है? हाँ जी। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ जी। सोया हुआ है? हाँ जी। सही सही, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ तो जी ये है लंबादार, लंबादार से बातचीत करते हैं। लंबादार क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? वीडियो बनाने का काम होता है। कहाँ जा रहा है? दुकान पे। दुकान पे क्या करना है? सौदे लेने। सौदे लेने? हाँ जी, पकाने के लिए। क्या पका रहे हो आज? आज पका रहे दाल। दाल पका रहे हो? हाँ जी। उसके अंदर क्या डाल रहे हो? उसमें कुछ नहीं डाल रहे, सिंपल दाल बना रहे हो? सिंपल। वाह जी वाह। अभी जी ये जा रहा है दुकान पे उधर से सामान लेने के लिए, इधर से बीबी भी आ गई है। बीबी कहाँ गई थी? बीबी भाग गई, वो बात। और क्या कहना चाहोगे?
अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सी जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते हम सके रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे हैं वसीम अक्कर व्लॉग को, यार सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फुल सपोर्ट करनी है। ठीक हो गया जी, ये वसीम अकरम इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गया था आज? फरान वालों के घर। क्या कर रहे? कुछ नहीं, वैसे आज छुट्टी थी इसलिए भाग गया था। हाँ जी। अभी वापस आया? हाँ जी। सही है सही है। तो लेके कुछ नहीं आना? सब्जी के पैसे देना। सब्जी का पता करना पड़ेगा क्या लेनी है। अजान भी हो रही है। अजाने भी हो रही हैं। सब्जी का पता करना पड़ेगा, जाके पूछना पड़ेगा, जाके पूछ के बाद में बता। चल ले, क्या का, क्या कहा है पहले पूछ के आया है? हाँ जी। क्या कहा? भिंडी। भिंडी, हाँ जी। ये ले, एक किलो भिंडी ले आना है, दो डब्बे दूध के ले आने हैं, और 20 की मिर्चें, और मिर्चें भी ले आनी है। सही है, ठीक है। बकाया हिसाब देना है आके, ठीक है। सही है, ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, लुक चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब? क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल रहा है। माशाल्लाह, गुजारा क्या चल रहा है? तबीयत सही नहीं है ना। आपके बच्चे भी बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, आपको क्या हुआ? मेरे यार पूरे जिस्म में ऐसे जैसे बुखार होता है ऐसे। अच्छा, फ्रेश हो जाकर रोजाना नहाया करो। रोजाना नहाते हैं, फ्रेश हैं। अच्छा सही, वो गर्मी वगैरह अभी मौसम चेंज हो रही है, मौसम की वजह है सारी। तो पूरे जिस्म में जैसे दर्द वगैरह होती है और दिल करता है सारा दिन ऐसे सोए रहे बस। हाँ ये बात तो है, ये है, लेकिन मैं, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बस सही रहूँ। आज सुबह में तकरीबन स्टेशन से होके आया था, 3 मिनट में। अच्छा, भाग के गए? नहीं, ऐसे चल के गए इधर से। अच्छा, सुबह तकरीबन 5:30 का टाइम था। अच्छा, नमाज अदा करके जैसे निकला बाहर तो 3-4 चक्कर इधर लगाए, फिर सीधा स्टेशन पे, उधर से वापस आए, फिर जैसे आए फिर आकस हो गया। सही, अभी उठे हो फिर? नहीं नहीं, काफी टाइम का उठे हैं। अच्छा चलो, अल्लाह पाक की शिफा दे जी, हम दुआ को हैं। सही हो गया। हाँ तो जी, इधर जो है वसीम आ चुका है, बेबो भी बैठा है। बेबो क्या खा रहे हो? निम्को। इधर बैठा है इब्राहिम खान, इधर बैठा है नूर मोहम्मद। क्या ले आया? भिंडी। भिंडी ले आया? हाँ जी। कैसे थी? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। तो मिर्चा भी? इसकी मिर्ची है, 2 डब्बे दूध के। बकाया? बकाया 10 की चीज। 10 की चीज, बकाया कितना बचा? बकाया 50-300। और देखो ये तो 130 है। हिसाब का ले जरा बता दो। 70 170। हाँ। और 70 190। हाँ। बाकी 10 की चीज 200। और 120 ये हो गए। 320। हाँ जी। बाकी बचना था 180। पचास कहाँ गया? 180 कैसे? 180 बचना था ना, ये वो आ गई 170 रुपए की। हैं? 70 आ गया दूध का। कितना हो गया? ये 190। 190 कैसे बनेगा? 170 तो वो हो गया ना, 230। 230। 320। 120। चलो हिसाब बनाते हैं, मैं देखता हूँ। क्या बना रहे हो? मीठा पानी। मीठा पानी। मीठा पानी क्या करोगे? पियेंगे। पियेंगे। ये जामे शीरी डाली है? हाँ जी। चीनी भी डाली है? हाँ जी। हाजरा ये अंदर रखे हो? अंदर रखे हो। बहुत है, कितनी डाली है? क्या जामे शीरी इतनी?
बस बहुत है इसको मिक्स कर। ये जी अभी मीठा पानी बना के पी रहे हैं गर्मी की वजह से। रेड पानी हो गया। हाँ लाल पानी, लाल हो गया। सही है, मुझे भी थोड़ा सा चेक कराना है। मुझे चेक कराओगे? जी। चलो देखते हैं। ये मीठा है? जी। मीठा दे रहे। सही है, सही है, सही है। हाजरा को भी देना, खुद भी पी ले। सही है। इब्राहिम कहाँ गया? वो अम्मी के साथ काटा टुकड़ा लकड़ी काटने के लिए। जी। सही। हाँ तो जी अभी हमारी भिंडी जो है वो पानी में हमने इसको रख दिया है। अभी इसको धोएंगे पानी में अच्छी तरह, फिर जो है हम पकाना शुरू कर देंगे हरी मिर्च और भिंडी। क्योंकि काफ़ी बहन भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं जो कहते हैं कि आप ना भिंडी जब बनाया करें ख़ास कर वो जो है हमें तरतीब से बताया करें भी कैसे बनाते हैं। तो इसलिए जो है मैं दिखा रहा हूँ जैसे सब्जी लेके आए हैं। पहले जो है अच्छी तरह इसको धो लेनी है। धोने के बाद जिमें जैसे जैसे आगे बनाते जाएँगे वो आपको दिखाएँगे। हाँ तो जी अभी हमारी भिंडी जो है वो काटी जा रही है। ये देखें इधर वसीम बैठा है साफ़ कर रहा है कपड़े से, और इधर जो है भिंडी काटी जा रही है। तो जैसे भी ये कटाई हो जाएगी फिर जो है हम रेसिपी आगे स्टार्ट करेंगे बनाना पकाना। तो जैसे आपको पहले बताया मैंने अच्छी तरह धो लेनी है और उसके बाद जो है इसको काट लेनी है साफ़ सुथरी करके। तो ये देखें अभी हमारी भिंडी जो है काटी जा रही है। टाइम भी काफ़ी हो रहा है तो मैं कहता हूँ कि ये जो है मगरब से पहले पहले बन जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये मगरब तो से पहले बन सकेगी। बहरहाल कोशिश करते हैं। और ये मिर्चियाँ देखें 5-6 मिर्चियाँ जो हमने इसमें डालनी है, बस ज़्यादा मिर्ची भी नहीं डालनी। जो हर कोई अपने हिसाब से खाता है मिर्ची जितनी, तो अपनी मर्जी है उनकी, हम तो इतनी डालते हैं। ये खड़ा है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने अभी नहा के सूट जो है वो न्यू पहन लिया है। ये क्या खींच रहा है? टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो। पहले वाला भी टूट गया है, वो देखें, वो पहले वाला भी एक टूटा पड़ा है, वो देखें। और सुना क्या कर रहा है इब्राहिम? क्या कर रहा है? खेल रहा है इस तना के साथ। अच्छा जी, ये दोनों भाई जी देखें आपस में लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। इब्राहिम भी ऊपर इसको जो है लतड़ाई कर रहा है इसकी। वो गिर जाएगा, नीचे आ जाओ, गिर जाएगा इब्राहिम, गिर जाएगा। बैठ जाओ इधर, सो जाओ, सिराने पे सो जाओ। नीचे आ जाओ, वहाँ नीचे आ जाओ, गिर जाएगा ये। नीचे आ जाओ, गिर जाएगा इब्राहिम, गिर जाएगा। बाय बाय कर दो, बाय बाय। इधर वो छोड़ दो ना, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ के फिर बाय बाय करो, बाय बाय करो। हाथ नहीं छोड़ा, एक छोड़ा है तो दूसरा पकड़ लिया है। हाँ तो जी इधर जो है हमारा गूंदा जा रहा है आटा। ये देखें आटा जो है हमारा, वो भी साथ साथ हम गूंद रहे हैं। तो आगे रेसिपी भी शुरू करते हैं। ये देखें हमारी हरी मिर्चियाँ और भिंडी जो है वो काट चुकी है। नमक वगैरह, घी वगैरह सारा सामान जो आ चुका है। ये भी पतीला भी ऊपर सिलेंडर के चाड़ दिया गया है। अभी बनाते हैं रेसिपी। ये देखें आग भी हमने जला दी है। अभी इसमें पानी है ना, ये देखें कैसे टपक रहा है। ये पानी जैसे खुश्क हो जाएगा फिर इसमें हम घी ऐड कर देंगे। जी घी जो है वो भी हमने ऐड कर दिया है। ये देखें हमारा घी जो है ऐड हो चुका है। और उसके बाद जो है फिर भिंडी ऐड करेंगे, जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा घी फिर भिंडी ऐड कर देंगे आप। हाँ तो जी भिंडी भी हमारी ऐड हो चुकी है। थोड़ा सा जैसे गर्म हुआ है घी हमारा, तो हमने भिंडी जो है वो ऐड कर दिया है। अभी इसको घी में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह जो है इसको भून लेंगे। देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, लुक चेक करें आप भिंडी की, लुक चेक करें माशाल्लाह, देखें कैसी है। हाँ तो जी भिंडी जो है ये देखें, और जो है पका रहा हूँ भट्टे के ऊपर बैठ कर। ये देखें भट्टा भी लगाया हुआ है और इधर भिंडी जो है पतीले के ऊपर चाढ़ी हुई है। अभी बना रहा हूँ तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये आपको मेरी भिंडी रेसिपी पकाने का तरीका आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है।
तो कॉमर्स आप करेंगे बताएंगे मुझे, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं सही बना रहा हूँ भिंडी कि नहीं बना रहा हूँ। अभी जी इस कंडीशन में भिंडी पहुँच चुकी है, सिलेंडर जो है वो थोड़ा कम कर लेना है, आग जो है इसकी कम कर लेनी है। ये देखें भिंडी जो है नीचे लगने की वजह से थोड़ा कलर जो है वो चेंज कर रही है, तो आपने आग जो है इसकी मट्ठी कर देनी है और थोड़े थोड़ा सा आग लगती रहे और अच्छी तरह भुनाई होती रहे, क्योंकि ज़्यादा कलर जो है वो वाइट नहीं करना है, वो वाइट नहीं वो लाल ना हो जाए, तो ये सबज़ सबज़ रहे तो अच्छी होती है। हाँ तो जी ये देखें इसकी लेस कैसी है, ये देखें जैसे बारीक बारीक तारे नज़र आ रही है ना आपको इसकी, ये लेस होती है। ये बिल्कुल जब ख़त्म हो जाएगी इसकी लेस फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी देखें ना जैसे तारी होती हैं, तारे होती हैं ना बारीक बारीक ऐसी है। हाँ तो जी हमारी भिंडी जो है अभी भी उसमें ये देखें लेस वगैरह है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी देखें लेस है इसमें, अभी गली भी नहीं है चफ की, अभी बना रहे हैं, शाम भी हो रही है, अजानें भी हो रही हैं मगरब की, देखते हैं किस टाइम तक ये तैयार होती है। हाँ तो जी अभी जो है इसकी लेयर जो है ख़त्म हो चुकी है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये देखें नमक जो है अभी ऐड हो रहा है और इसको अच्छी तरह जो है इसमें मिक्स कर देना है, इसकी लेस वगैरह। हाँ अंदर रखी जा नमाज, अंदर रखी है तो ये देखें ये अभी इसका नमक जो है अच्छी तरह ऐड कर लेते हैं, फिर ये थोड़ी देर में हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ तो जी हमारी भिंडी जो है इस टाइम तैयार हो चुकी है, कलर वैसे का वैसा और अच्छी तरह जो है ये गल भी चुकी है और तैयार हो चुकी है। तो आपने जिस बहन भाई ने मेरे साथ खानी है वो आ जाए जी, बिस्मिल्लाह करें, वेलकम, आ जाएँ खाएँ। और ये जो आपको पीले कलर में नज़र आ रही हैं ये हरियाँ मिर्चियाँ हैं, और ये सबा सबा जो है हमारी भिंडी रेसिपी तैयार हो गई है। अभी सिलेंडर जो है इसका बंद कर देंगे और ये हमारी भिंडी हो जाएगी तैयार। हाँ तो जी इधर जो है हमारा आटा ये देखें, और ये तवा हो गया, रोटी हमारी पकनी स्टार्ट हो गई, ये देखें इधर रोटी जो है हमारी तैयार हो रही है, उधर रेसिपी हमारी तैयार हो गई। अभी जो है हम खाएँगे खाना शाम का जी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। उसके बाद जो है मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैं चाहूँगा तमाम बहन भाइयों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। ओके हो गया जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।